चैनल यशवंशु। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम स्कूल गए थे और हमारा फर्स्ट एग्जाम था आज, वो था इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि भाई इतना टफ एग्जाम है, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब क्लास में जाके देखा तो फिर वो सारे क्वेश्चन मुझे लर्न थे। तो अब मैं एग्जाम करके कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो फिर एक क्वेश्चन था, उसमें सिंगुलर से उसे प्लूरल बनाना था। तो उसमें था आई हैव पेन ऑन माय वन टूथ, नहीं बैरियर में टूथ लिखा था, बैरियर में टूथ लिखा था। तो फिर मुझे लगा आ रहा है तो फिर सिंगुलर होगा, तो मैंने उसे सिंगुलर बना दिया। बाद में मैम ने कहा क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, इसमें ये नहीं कि आपको कंफ्यूजन के लिए। तो फिर बाद में मैम ने बताया इसे प्लूरल में कन्वर्ट करो, फिर मैंने उसे टूथ का टीथ बना दिया। तो गाइस अब मैम ने कहा है कि वेरी गुड, तुमने सही कर लिया है। फिर अब हमें मिली है क्वेश्चन शीट। तो एक ओलम्पियाड भी था, तो उसमें से मैंने लिया है साइंस का ओलम्पियाड। पहले दिखाएंगे आपको वो साइंस ओलम्पियाड का फॉर्म, जो फॉर्म आया ना, तो वो है मेरी लर्नर्स हैंडबुक में, दिखाता हूँ आपको। गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड में ये क्या है। तो गाइस ये है मेरा आयरन मैन हैंड। वैसे ये कोई रियलिस्टिक आयरन मैन हैंड नहीं है, जो मेरे स्केटिंग किट है ये उसके अंदर था। तो अभी मैं इसे पहने रखता हूँ और दिखाता हूँ आपको। गाइस वो फॉर्म है ये, आप देख सकते हैं मैंने लिया है साइंस ओलम्पियाड। गाइस अगर आपको ये रीड करना हो तो आप पॉज भी कर सकते हैं। ओके गाइस आपको मैंने ये फॉर्म दिखा दिया, अब दिखाता हूँ आपको मैं अपनी वो जो शीट आई है। तो मुझे मिल गई है वो क्वेश्चन शीट, क्योंकि अब हमें आंसर शीट और क्वेश्चन शीट मिलती है। तो अभी हमें आंसर शीट तो हमने दे दिया, तो अभी निकालते हैं हमारी क्वेश्चन शीट। तो गाइस फिलहाल इधर वो क्वेश्चन शीट है मेरे इस राइटिंग पैड पर, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे रीड करके भी दिखाता हूँ, बैग रख देता हूँ मैं साइड में, अब दिखाते हैं आपको शीट उस पेज में से निकाल के। गाइस आप देख सकते हैं ये है हमारा यूनिट टेस्ट वन। गाइस इधर है नेम, क्लास, सेक्शन। तो गाइस अब मैं आपको इसे रीड करके सुनाता हूँ। फर्स्ट लिखा है इधर यूनिट टेस्ट वन 23-24 बैरियर में, और सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके बाद लिखा है इधर क्लास थर्ड, सेक्शन है मेरा सी। उसके बाद इधर डेट लिखनी है, आज डेट है हमारी 18। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें मुझे उसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना था, लेकिन उधर आ रहा था कंफ्यूजन के लिए, तो मुझे लगा उसका सिंगुलर ही रहन देना है, तो फिर इसलिए मैंने सिंगुलर ही लिख दिया था। तो वो है इधर और क्वेश्चन साल कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो गाइस इसमें कहा गया है कि सारे जितने भी क्वेश्चन है वो कंपलसरी करने के लिए, ऐसा कोई सा भी नहीं है कि तुमने वो छोड़ दिया तो फिर उसके मार्क्स हाफ कट जाएंगे, उसके उस नंबर में से माइनस हो जाएंगे, फिर उस माइनस नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे ये फिक्स, जैसे ये 20 मार्क्स का होगा, तो फिर अगर किसी ने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसे 10 में से मिलेंगे। तो गाइस मैंने तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा इसमें, क्योंकि मैम को भी मैंने डबल बार चेक करा है, खुद भी रीचेक करा है इसलिए, और मैंने जो मेरी को क्लास टीचर है नया मैम उनसे भी चेक करा है। तो अभी फर्स्ट ये प्रैक्टिस शीट गाइस टोटल 4 पेजेस की है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे रख देता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी के हमने एक वीडियो बनाई थी स्केट्स के ऊपर, तो वो भी मैं डालूंगा, आप देखना उसे जाकर। तो अभी मैंने वो डाली नहीं है, शायद से मैंने अभी चेक नहीं करी है, और डाल दी होगी, नहीं अभी मैंने डाली नहीं है वो, मुझे लग रहा था कि डाली है लेकिन डाली नहीं है। तो गाइस अभी एंड कर देता हूँ इस ब्लॉग को, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।